घर से निकलने वाले लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक करीब 3000 गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं, जिनमें दुपहिया और कारें दोनों शामिल हैं। लेकिन इन गाड़ियों की देखरेख पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। चंडीगढ़ के पुलिस लाइन के मैदान में इतनी गाड़ियां जमा हैं कि किसी के लिए अपनी गाड़ी को ढूंढना भी आसान नहीं है। बेवजह घरों से निकले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, या मजाक के लिए जॉय राइड के लिए घूम रहे हैं कि देखते हैं कि शहर का हाल क्या है। तो इस तरीके की जो है लापरवाह बर्ताव जो है, इसको रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन इनके खिलाफ ले रही है। अपनी गाड़ी लेने के लिए पुलिस लाइन जाने वाले लोगों को पहले लाइन में लगकर जुर्माना भरना पड़ता है, फिर गाड़ी की चाबी ढूंढने की मेहनत भी खुद ही करनी पड़ती है। मतलब मिल गई आपकी चाबी? मिल गई नहीं जी, तो अभी ढूंढ रहा हूँ। कितने दिन पहले आपकी गाड़ी बंद हुई थी? कल बंद हुई थी जी। तो आपको लगता नहीं आपने गलती करी है, कोई जरूरी काम था, आप निकले क्यों थे घर से? नहीं जो गलती करी है मान रहा हूँ मैं अपनी गलती। लेकिन इन गाड़ियों की हिफाजत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके लिए हर पल पुलिस की तैनाती तो रहती ही है, ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस के जवान ड्रोन के जरिए लगातार पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन गाड़ियों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और आप इन गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार पुलिस की अपील के बावजूद कर्फ्यू और लॉकडाउन में कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बेवजह बाहर निकले, नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि इतनी कड़ी कार्रवाई के बावजूद कानून तोड़ने वाले नहीं मानते। रोजाना करीब 200 से 300 गाड़ियां पुलिस को जब्त करनी पड़ती हैं। यूपी में मेरठ के कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। 4 कोरोना पॉजिटिव में 3 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। इसके साथ ही मेरठ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 46 हो गई है, जबकि एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। तो आंकड़े बढ़ रहे हैं। मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं, 3 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही मेरठ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ी है, 46 अब यह आंकड़ा पहुंच गया है, जबकि एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। चीन में कोरोना वायरस का केंद्र रहे वुहान में जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। यहां पर कोरोना की वजह से बंद पड़ी एक कार फैक्ट्री को दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद वहां पर एक बार फिर से काम शुरू हो गया। 11 हफ्ते बाद फैक्ट्री में लौटे कर्मचारी पहले की ही तरह पूरे जोश के साथ काम करते दिखाई दिए। हालांकि फैक्ट्री की तरफ से अब भी सतर्कता बरती जा रही है। वहां काम करने वाले सभी कर्मचारी मास्क और दस्ताने पहने नजर आए। इसके साथ ही सभी लोग कोरोना से बचाव वाले सूट भी पहने दिखाई दिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया और सभी कर्मचारी एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करते दिखे। बेवजह किसी को भी एक दूसरे के पास आने की इजाजत नहीं दी गई। तीन महीने से बंद पड़े वुहान में अब लोगों को ट्रेनों, बसों और दूसरी गाड़ियों में सफर करने की भी इजाजत दे दी गई, जिसके बाद वहां के लोग अब सड़कों पर दिखाई देने लगे। हालांकि रौनक अब भी पहले की तरह नजर नहीं आ रही। पाबंदी हटने के बाद भी लोग सावधानी बरत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 8 लोगों को कोरोना का संक्रमण देने वाला 16 साल का लड़का ठीक हो गया। ये लड़का तबलीगी जमात से जुड़ा था और इसके संपर्क में आने से 8 और लोग महामारी की चपेट में आ गए थे। लड़के को 4 अप्रैल को एम्स में भर्ती कराया गया। 6 दिन में ही उसे छुट्टी मिल गई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 19 केस थे, जिनमें 10 लोग ठीक हो गए हैं। बिहार के लखीसराय में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरती। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया है। इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन तोड़ने वाले ऐसे ही कई लोगों को लखीसराय पुलिस ने गश्त के दौरान शहर की एक सब्जी मंडी में देख लिया और फिर सबक सिखाने के लिए उन पर लाठियां चलाई। पुलिस वाले सब्जी मंडी में बेवजह घूम रहे एक आदमी से कान पकड़कर उठक बैठक कराते भी दिखे। इतना ही नहीं, कुछ पुलिस वालों ने सब्जी बेचने वालों को भी लॉकडाउन न तोड़ने की चेतावनी दी। पब्लिक नहीं चेतेगी तो हम लोग और सख्त होना पड़ेगा, और सख्त होने के बाद प्राथमिकी भी दर्ज हो जाएगी और अनावश्यक घूमने वाले को हम लोग जेल भेज देंगे। भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 40 मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 239 हो गई है। इसके अलावा कोरोना के 1035 नए केस सामने आए, जो 24 घंटे में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। देश में कुल कोरोना के मामले बढ़कर 7447 हो गए हैं, जबकि 642 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं।
लॉकडाउन के चलते पैदल ही अपने घरों को जा रहे मजदूरों को उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर मुरादाबाद के गांधीनगर पब्लिक स्कूल में प्रशासन की तरफ से अस्थायी शेल्टर होम बनाकर रखा गया। अस्थायी शेल्टर रूम में खाने पीने और दवाई समेत सभी इंतजाम किए गए। मुरादाबाद प्रशासन ने इन मजदूरों के लिए स्पेशल योगा मोटिवेशनल क्लास भी लगानी शुरू कर दी गई है, ताकि योग के माध्यम से इनका इम्यून सिस्टम दुरुस्त रहे, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी इनको जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर योगा क्लासेस में हाथ धोने के तरीके से लेकर इनकी उदासी को दूर करने के लिए योग से जुड़े खेल भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज पूरा विश्व कोरोना से एक युद्ध लड़ रहा है, और ये कहा जाता है कि जहाँ पर योग और जो ध्यान है वही इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लॉकडाउन के बीच एक भावुक तस्वीर सामने आई, जिसमें 2.5 साल की दो बच्चियां सीमा के इस पार रह गईं, जबकि उनकी माँ तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा के दूसरी ओर रह गईं। सीमा पर पुलिस ने मां को रोक दिया। दरअसल दोनों बच्ची 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र की सीमा के अंदर कुछ दूरी पर अपनी नानी के घर आई थी, और इसके बाद लॉकडाउन लागू होने से अब इनका अपनी माँ के पास जाना मुश्किल हो गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे और लॉकडाउन की खबरों के बीच एक ऐसी खबर जो इंसानियत की मिसाल पेश कर रही है। असम के गुवाहाटी में लॉकडाउन की वजह से फंसे इटली के एक नागरिक को वहां के एक परिवार ने उस वक्त सहारा दिया जब उसे इटली का होने की वजह से किसी ने न रहने की जगह दी और न खाने के लिए कुछ उसे मिल रहा था। ये विदेशी नागरिक गुवाहाटी घूमने के लिए आया था, लेकिन राज्य की सीमा सील होने की वजह से लौट नहीं पाया। इटली के नागरिकों में कोरोना के खतरे से जुड़ी खबरों की वजह से जियोवामी नाम के विदेशी नागरिक को रहने और खाने के लिए किसी तरह की सहायता नहीं मिली। ऐसे में शर्मा परिवार उनकी मदद के लिए आगे आया, और अब पिछले 17 दिनों में जियोवामी शर्मा परिवार का हिस्सा बन चुका है। इस बीच जियोवामी को 2 बार कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं जो नेगेटिव आए हैं। यूपी के कौशाम्बी किसानों को कुछ शर्तों के साथ खेत में खड़ी तैयार फसल काटने की इजाजत दी गई। किसान अपनी फसल काटने में जुट गए हैं। वहीं किसानों को कम मजदूरों के साथ उचित दूरी बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए, और किसान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। वहीं किसान फसल काटने की इजाजत मिलने से खुश है। डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से बांदीपुरा के डिप्टी कमिश्नर शाहबाज अहमद मिर्जा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। डॉक्टर एसोसिएशन का आरोप है कि डिप्टी कमिश्नर ने आजम में मेडिकल ऑफिसर के साथ अभद्र व्यवहार किया। पत्र में डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार भी लगाई है। बिहार के जहानाबाद में समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने और इलाज में देरी के आरोप में 3 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया। बच्चे के शव को लेकर उसकी मां बदहवास होकर घूमती दिखी। बच्चे के शव को लेकर परिवार के लोग रोते बिलखते नजर आए। अरवल जिले के रहने वाले इन लोगों का आरोप है कि उनके बच्चों को सर्दी और बुखार था, लेकिन इलाज करवाने के बावजूद तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से वो बच्चों को कई घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह अस्पताल ले गए, लेकिन वहां से भी बच्चे को पटना के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हैरत की बात ये रही कि यहां भी उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से बच्चे की रास्ते में ही मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद शव ले जाने के लिए भी एम्बुलेंस नहीं मिली, ये आरोप ये परिवार वाले लगा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, ये तो अभी कोरोना का संकट चल रहा है, आम दिनों में भी कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट यदि कहीं आता है और उसको कहीं रेफर करना है तो हम लोग उसको तुरंत एम्बुलेंस से भिजवाते हैं। ऐसा कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और उस समय जो ड्यूटी डॉक्टर थे या जो हमारे मैनेजर वहाँ थे, उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। बिहार के नवादा में कोरोना से लड़ाई के लिए प्रशासन मुस्तैद हो गया है। डीएम ने क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया, वहां रखे गए संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी ली। जिले में जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया उसके इलाके का भी डीएम ने जायजा लिया, और इलाके में किए जा रहे सैनिटाइजेशन का काम भी देखा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या 18 हो चुकी है। इसके बावजूद कई इलाकों में लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बालोद में पुलिस लोगों को लॉकडाउन का पालन करने और घरों में रहने की सलाह दे रही है, फिर भी एक महिला एक स्कूटर पर 3 छोटे छोटे बच्चों को बिना मास्क लगाए लेकर जाती नजर आई।
ग्रामीण इलाकों में सब्जी के बाजार में भी लोगों की भीड़ दिख रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि कई लोग तो बिना मास्क लगाए भी नजर आए। तो लोगों को बार बार ये बात समझाई जा रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, लेकिन इन सब के बावजूद देखिए किस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं बिना ये समझे कि ये लापरवाही उनके और उनके परिवार के लिए बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि संख्या अभी बढ़ रही है, कोरोना की खतरे से खाली नहीं है। ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना, सब्जी खरीदना या लोगों के बीच में जाना, जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं बिना मास्क लगाए, आप देखेंगे कई लोग यहाँ आपको नजर भी आ जाएंगे, तो ये तस्वीर और स्थिति को खराब कर देगी, ये बात भी लोगों को समझना चाहिए। बिहार के बेगूसराय में 6 जगहों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। यहां 10 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया, जबकि 40 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। पूरे बेगूसराय में अब तक 135 से ज्यादा लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं, जबकि 5 पॉजिटिव मामलों में से एक की रिपोर्ट दूसरे टेस्ट में नेगेटिव आई है। ये पूरा हॉटस्पॉट बना हुआ है, डीएम साहब, एसपी साहब, पूरा प्रशासन कैंप किए हुए है। परसों भी हम लोग 2 संदेहास्पद मरीज को भेजे थे, कल भी 10 लोगों को हम लोग भेजे हैं और 40 लोगों को मुर्गियाचक में हम लोग सैंपल जांच किए हैं। रात के 11 बजे सैंपल जांच करके हम लोग बेगूसराय भेजे हैं जांच के लिए। 10 लोग, 6 लोग आलमचक से हैं और 4 लोग सरायनूर नगर से हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन की वजह से सी वॉल यानी समुद्र के पानी को रोकने के लिए बनाई जाने वाली दीवार का काम रुका हुआ है। इस काम के रुकने से वहां मछुआरों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दीवार ना होने की वजह से समुद्र का पानी वहां कई मछुआरों के घरों को नुकसान पहुंचा चुका है। बताया गया कि समुद्र से आई ऊंची लहरों में कुछ मछुआरों का सामान भी बह गया। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रहेगा, तब तक समुद्र के किनारे दीवार बनाने का काम भी अटका रहेगा। लॉकडाउन की वजह से किसी को भूखे पेट न सोना पड़े, इसके लिए बिहार के गोपालगंज के कुछ लोगों ने खाना बांटने का अभियान चलाया। जिले के मीरगंज का प्राचीन एक मंदिर ट्रस्ट इस अभियान को चला रहा है, जिसके लिए मंदिर के अहाते में दिन रात 50 लोगों की टीम काम करती है। कुछ लोग खाना बनाते हैं, खाना तैयार होते ही इसे पैकिंग टीम को सौंपा जाता है और पैकिंग टीम इसे तैयार कर टोकरियों में भर देती है, जहां से इसे फील्ड में काम करने वाली टीम को सौंप दिया जाता है। ये टीम रोजाना तय समय पर जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने के लिए निकल पड़ती है। आज भोजन का कार्य हम लोग 5 तारीख से भोजन लगातार चला रहे हैं आसपास के गांवों में, जितने वार्ड है हर वार्ड में। ट्रस्ट से जुड़े लोगों का दावा है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद उन लोगों ने गरीबों की मदद की पहल की और हर जरूरतमंद को इस सेवा का फायदा पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। ठेला वाले, टमटम वाले, डेली जो काम करने वाले हैं, इन लोगों को ये नंबर फ्लैश किया गया है। छत्तीसगढ़ के बालोद में समाज में फैली बुराइयों से लड़ने के लिए बनाए गए महिला कमांडो के दस्ते ने अब कोरोना से लड़ाई में अपनी भागीदारी शुरू कर दी। ये महिला कमांडो घर घर जाकर कोरोना से बचने के बारे में जागरूकता फैला रही हैं। गांव में जरूरतमंद लोगों के लिए अनाज बैंक भी बनाया गया है, जबकि महिला कमांडो लोगों को मास्क भी बांट रही है। अपन स्वेच्छा अनुसार गांव वाले लोग, हम लोग पूरे कमांडो मतलब घूमकर चावल वसूली करे, जो अनाथ है, गरीब है, जिसको मतलब खाना नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम लोग अन्न इकट्ठा करके ऑफिस में जिसे भेजे हैं। हम लोग गांव में पूरा परिवार मन घर घूम घूम के बतात हन कि कोरोना वायरस अभी फैले है तो घर से बाहर नहीं जाना है। बिहार के खगड़िया में लॉकडाउन को नजरअंदाज कर घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने सख्ती की। पुलिस ने जगह जगह पकड़े गए लोगों से सड़क पर उठक बैठक लगवाई और घर से बाहर ना निकलने की हिदायत देकर छोड़ दिया। तो जो लोग इस वक्त पर, जब देश में लॉकडाउन लागू है, अपने घरों से बेवजह निकल रहे हैं, तो उन्हें पुलिस उठक बैठक करवाती नजर आई, उनके साथ सख्ती करती नजर आई, क्योंकि बेहद जरूरी है इस वक्त कि आप अपने घर पर ही रहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ये मानने को तैयार नहीं कि देश की स्थिति खराब हो रही है और ऐसे में उनका सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे ही घूमने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं बाइक के माध्यम से। ऐसे लोगों की बाइक भी जब्त की जा रही है और इन्हें सख्त इन पर कार्रवाई भी हो रही है। उठक बैठक करवाकर इन्हें दोबारा ना आने की हिदायत भी दी जा रही है।
भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की मंजूरी मिलने के बाद मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भारत का धन्यवाद किया। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजे जाने की इजाजत देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने ट्विटर पर लिखा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा मालदीव भेजने की मंजूरी देने पर भारत का शुक्रिया। ये दवा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अहम साबित होगी। जरूरत के समय जो काम आए वही वास्तव में दोस्त होता है।